हेलो दोस्तों, वेलकम टू V3 डिज़ाइनर हैंड रेटिंग क्रिएशंस। ये स्टोल मैंने अपने लिए बनाया था, 2 साल पहले बनाया था, और तो आज मेरे को लगा कि आई शुड शेयर ये डिज़ाइन। तो इसमें मैंने कितने फंदे चेन कितनी ली है, मैंने इसमें 42 लिया है, राइट। 42 लेने के बाद जो आपका बेसिक स्टेप है, आपको सिंपल हर एक लाइन में ये आपका हाफ सिंगल क्रोशिया पूरा कंप्लीट कर लीजिए, राइट। देखिए, सिंपल ऐसे लीजिए, ऐसे फिर ऐसे, ये एक बार लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे बिगनर्स फ्रेंड्स देख रहे हैं, मैंने पहले भी 2 स्टोल के डिज़ाइन डाल रखे हैं, और जो भी लेडीज़ ऑफिस जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, जो छोटी बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए बहुत ही वार्म रहेगा। जैसे अगर आप ऑटो में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये पहनने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट करिए, फिर मैं वापस आके आपको बताती हूँ। ये दोस्तों देखिए, मैं तक आ गई हूँ। ये देखिए, ये लास्ट का फंदा, ये लिया हमने एक बार, ये लास्ट का, यस। अब क्या करना है आपको, घुमाइए। और इसके पहले मैं बता दूँ, क्रोशिया मैंने लिया है 3 mm का, और ये जो ऊन है ये मेरी 2 ply की। 2 ply का मतलब, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें 2 thread होते हैं, ठीक है। तो वीडियो के बीच में आपको बताते भी जाऊँगी। देखिए, 2 thread दिख रहे हैं आपको। नॉर्मली जो भी हम स्टोल बनाते हैं, क्योंकि हमें सर से लेना होता है, तो उसके लिए नॉर्मली 2 ply की यूज़ करते हैं, क्योंकि बुनाई इसमें भी जो आएगी थोड़ी मोटी आएगी तो रहेगा। अब आपको क्या करना, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मफलर में होती है कि आपके जो दोनों साइड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुकी है, आप देख सकते हैं उसको, कि हम अपनी साइड्स को सीधी कैसे रखें। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका पहला फंदा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लेंगे 2 crochet, यहाँ पे आपने बल लेंगे और फिर सेकंड में डालेंगे। तो ये दोनों साइड से आपका सेम रहेगा, ठीक है, दोनों साइड से ये आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, नॉर्मली जब भी हम क्रोशे में देखते हैं, तो ये जो हम चेन सीख रहे हैं ऊपर, देखिए 1 2 3, हम नॉर्मली काउंटिंग ऐसे करते हैं। मैं आपको पास से दिखा दूँ, देखिए ये ऊपर चेन होती है ना, 1 2 3, तो ये हमारी इस तरीके से काउंट करते हैं। हमें क्या करना है कि हमें 1 में 2 बार लेना है, बट कैसे लेना है वो आपको बता दूँ। अच्छा, जब भी हम फंदे बढ़ाते हैं घटाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं तो हम एक्स्ट्रा फंदे ऐड करते हैं, घटाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1 को हम स्किप कर देते हैं। बट इसमें क्या है, हम 1 छोड़ के 2 बनाएंगे, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो फाइनली अगर आप ये देखिए, तो सिंपल एक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक फंदा दिख रहा है आपको, ये मैंने छोड़ा। अब सेकेंड में मैंने लिया, देखिए लिया, इसको हम हाफ सिंगल क्रोशिया लेंगे, हो गया। फिर एक बार बल लिया, इसी में लेके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्लियर। तो ये क्या हो गया, तो अब अगेन देखिए, ये आपको दिख रहा चेन, इसको आप स्किप करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे अगेन, ठीक है, ये आपको हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये बन गया। फिर आपने बल लिया, इसी में फिर आपको क्या बनाना है, डबल। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये रहा एक चेन को हमने छोड़ के हम सेकंड में आए, इसको हमने निकाला, फिर हमने ये हाफ सिंगल क्रोशिया भर लिया, बस यही पैटर्न है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, फिर मैं आके वापस आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम एंड में आ गई हूँ, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये आपको 2 फंदे दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ये 1 और इसका यहाँ पे 2, ठीक है, क्लियर। बस अब साइड पलटेंगे, तो ये आपकी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, 2 मिलेंगे सेकंड में, दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम डाल के लेंगे। अब इसमें देखिए, ये हमारा पूरा डिज़ाइन बन गया है। अब ये बहुत सिंपल हो गया। ये आपको दिख रहे हैं जो बीच में गैप, ये देखिए जो बीच में जो दिख रहे हैं गैप, जो हमने 2-2 लिए थे। अब हमें क्या करना है, ये हो गया, ठीक है। अब हम पहले यहीं से, जो आपको बीच का गैप दिख रहा है वी जैसा, ये हमने जो सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया लिया था, इसके बीच का गैप लिया, ये किया, बल लिया, फिर इसको डबल क्रोशिया लिया, क्लियर। अगेन यहाँ निकल के यहाँ पे दिख रहा है, लेंगे सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, बस यही पैटर्न है दोस्तों, वेरी सिंपल। और यही आप करते रहिए, तो ये आपका पूरा डिज़ाइन बन जाएगा।
और इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको आप अपने जैसे आप टॉप बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली इसमें देखिए 6 छेद भी कम आता है, डिज़ाइन देखने बहुत प्यारा लगता है। और जो पैटर्न देखिए ये पूरा आपका इस तरीके से बनेगा। तो मैं तभी आपको दिखा देती हूँ, ये आप लाइन यहाँ तक कम्प्लीट करिए, मैं फिर से यह बता रही हूँ। देखिए ये आपको वी दिख रहा है बीच का, ये वी दिख रहा है, इसमें हमें पहले लेना है सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर हमें डबल क्रोशिया, ठीक है, क्लियर। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप और इनोवेशन देखना है आने वाले वीडियोस में। मैं आपको क्राफ्ट पैटर्न्स भी बेसिक से सिखाऊंगी, जैसे मैं एक स्वेटर बना रही हूँ अभी एक अर्नव के नाम का, तो अर्नव का मैंने कैसे बनाया, ग्राफ मैंने कैसे बनाया सिखाऊंगी। तो आप यहाँ तक करिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको सिखाती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, देखिए मैं एंड में आ गई हूँ। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ हमने 2 फंदे लिए थे, एंड में आ गई हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एंड में और 2 में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है, इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका एंड वाला फंदा आ गया, क्लियर। देखिए ये आपके सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड पे आइए, आप लेंगे 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे आप डालेंगे, क्लियर। इसके बाद ये आपको वी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है वी, तो इसमें आप बना लेंगे, ठीक है। फिर जो आपको नेक्स्ट वी दिख रहा है, देखिए ये वी दिख रहा है यहाँ पे, इसमें अगेन सेम हाफ सिंगल क्रोशिया, उसके बाद ये आपका डबल क्रोशिया। देखिए बस यही पैटर्न है और ये बहुत सिंपल बहुत सुंदर लगता है। बस इस तरीके से आप बनाते रहिए तो जो पूरा पैटर्न आपका आएगा वो इस तरीके का आएगा, देखिए ठीक है। ये देखिए ये पूरा पैटर्न बहुत सुंदर लगेगा। और एंड में फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, चेन बना के आप इसको ऐसे करके जोड़ सकते हैं, तो उसका लुक बहुत अपीलिंग आता है। बस एक प्लीज़ दोस्तों अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। ये और अच्छे अच्छे मेरे पास आइडियाज़ हैं बहुत सारे, मैं आप लोगों को ग्राफ से कैसे अपने बच्चों के, आपके अगर बच्चे हैं छोटे, अर्णव नाम है, वंश नाम है, तो आप बच्चों के नाम के स्वेटर्स भी कैसे बना सकते हैं वो टीच करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँ ताकि बहुत टाइम ना वेस्ट हो। तो लेकिन आई वॉन्ट मोटिवेशन ऑल्सो, तो थोड़ा मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।